हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं हूं आपका ड्रीम फॉरेन बड़ी, और आज आ गया हूं मैं बेहतरीन एक और वीजा की खबर लेके, और उसके साथ एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन लेके। और ये सब वीजा की न्यूज इस टाइम पे देने का पर्पस मेरा यही है। बीच में काफी लोगों के डिले हुए हैं, काफी लोग वेट कर रहे हैं, दो दो महीने से वेट कर रहे हैं, और इन सब खबरों से एटलीस्ट आपको एक आइडिया लगेगा कि किन लोगों का किस डेट पे अप्लाई किया था और कब जाके उनका आ रहा है। इससे आपको भी एक कहीं ना कहीं हिम्मत मिलेगी, एक आइडिया लगेगा कि आपका भी जल्दी आने वाला है। तो बट अभी भी आप हालत देखें, 21% में पहुंच चुके हैं। 17 से स्टार्ट किया था, काफी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है 3-4% का। दोस्तों फिर भी हमको चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सबकी बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए, क्योंकि मुझे ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रखना है आप लोगों के लिए। इंस्टाग्राम पे कॉल हो, चाहे फॉर्म चेक करना हो, किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प हो, मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्री रखनी है विदाउट एनी मेंबरशिप। और इस चीज़ के लिए मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए, और हेल्प यही है कि स्क्रीन को थोड़ा सा मिनिमाइज करो और सब्सक्राइब बटन पे इतनी जोर से क्लिक करो दोस्तों की जिंदगी में कभी अनसब्सक्राइब ना हो। सबसे पहले हमारे एक फॉलोअर हैं, और इनसे इन्होंने अप्लाई किया था 8 अप्रैल को। वैसे इससे पहले मैं बात कर चुका हूँ, 6 अप्रैल को भी एक फॉलोअर ने किया था, और उनका भी अभी रिसेंटली आया था जून में ही। और इन्होंने अप्लाई किया था 8 अप्रैल को, और आज है 6 जून 2022। तो यहाँ से दोस्तों अब जाके उनका वीजा आ गया है। काफी लंबा टाइम लगा, बट डेफिनेटली उनका वीजा आया है। तो सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई, मुझे थैंक यू बोल रही थी कि इस टाइम पे काफी ये वीजा न्यूज की वजह से काफी ज्यादा उनकी हेल्प हुई थोड़ा अंडरस्टैंड करने में कि मेरा कब आएगा। बट फिर भी असली खुशी तभी है जब हमारा वीजा, खुद का वीजा आए, और आप लोगों की खुशी में मेरी खुशी, और मैं सबसे ज्यादा उनके लिए खुश हूँ। तो सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई। और दूसरी चीज कि उन्होंने मुझसे एक बहुत वैलिड सवाल पूछा बीच में, जब इनका वीजा आया नहीं था, कि सर मेरा अब COS की जो वैलिडिटी है, जैसे COS की 3 महीने की वैलिडिटी होती है, अब वो वैलिडिटी एक्सपायर होने वाली है और मेरा वीजा आया नहीं है, तो क्या मेरा वीजा रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि मेरा COS एक्सपायर होने वाला है। बट मैं ये सब चीजें क्लियर करने से पहले आपको थोड़ा सा COS के बारे में बताना चाहूंगा। और COS का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। जब भी आप UK की कंपनी में, किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू देते हो, तो सबसे पहले तो COS इशू करने के लिए वो कंपनी A-rated स्पॉन्सर होनी चाहिए, तभी वो, जब आप इंटरव्यू क्लियर करते हो, वो कंपनी आपको COS ऑफर करती है, और वही COS के बेस पे आप एज अ स्किल्ड वर्कर UK का वीजा अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो हो गई COS की स्टोरी। और हर COS की वैलिडिटी होती है 3 महीने की, और UK होम, और कई बार लोग मुझसे ये भी पूछते हैं, बोलते हैं कि सर मेरे पास COS का प्रिंट नहीं है, मेरे एम्प्लॉय ने COS की कॉपी नहीं दी। देखो उस कॉपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, UK होम ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट में खुद ये मेंशन है कि ये कोई एक फिजिकल रिकॉर्ड नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। और जब भी इसके लिए आपका एम्प्लॉयर आपको इशू करता है, तो आपको देगा वो एक COS नंबर। वही COS नंबर मोर देन इनफ होता है आपके आगे के वीजा रिलेटेड सारे काम करने के लिए। तो वही COS नंबर ही चाहिए, उससे अलग आपको कुछ नहीं चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, होम ऑफिस ये भी लिखता है कि जो COS की स्टार्ट डेट है उससे 3 महीने पहले तक आपको अप्लाई करना चाहिए, उससे पहले ना करें। तो 3 महीने का टाइम है बिफोर COS स्टार्ट डेट, उससे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, COS इशू जब भी होता है उसके 3 महीने तक उसको हमें कैसे भी करके अप्लाई करना है। तो जब ये बोलते हैं कि 3 महीने की वैलिडिटी होती है किसी भी COS की, इसका मतलब है कि वो जो COS है वो यूज होना चाहिए विद इन 3 मंथ डेट ऑफ द इशू। इसका मतलब ये होता है कि आपको वीजा अप्लाई करना है उस COS की हेल्प से 3 महीने के अंदर, जब भी वो COS आपको इशू हुआ है। वीजा अप्लाई करना है, ये मैं फिर बता रहा हूँ, केवल आपको अप्लाई करना है, वहाँ पे वो वीजा यूज हो जाता है, आपका जो COS है वो यूज हो जाता है। अप्लाई करने के बाद वो COS की वैलिडिटी की कोई वैल्यू नहीं है, उसको बिल्कुल भूल जाएं। आपका वीजा चाहे 6 महीने में आए, चाहे कितने भी महीने में आए, उस COS की वैलिडिटी का उससे अलग कोई मतलब नहीं है। इवन कई बार मुझसे लोग ये भी कहते हैं कि सर मेरा डिपेंडेंट का मुझे वीजा अप्लाई करना है, लेकिन मेरा COS एक्सपायर हो चुका है, उस टाइम पे भी COS की वैलिडिटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको COS नंबर चाहिए होगा आपके डिपेंडेंट के लिए, बट उस टाइम पे भी वो एक्सपायर हो चाहे कुछ हो, बट उनकी एप्लीकेशन में वही COS नंबर जाएगा जो एक्सपायर्ड है। तो इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप मेन एप्लीकेंट हो, तो आपको जब भी आपको COS इश्यू हुआ है उसके 3 महीने के अंदर वीजा अप्लाई करना है, उसके बाद से उसकी वैलिडिटी की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी चीज, कई बार लोग कहते हैं सर इमिग्रेशन में COS मांग लेते हैं या उसमें, देखो मैं आपसे ये कहूंगा कि एक जहां पे आप एम्प्लॉयर से कह सकते हो, जहां पे भी अप्लाई करता है, तो वो उस पेज का प्रिंट आउट आपको एज अ स्कैन करके आपके ईमेल में दे दें, और
तो उतना ही इनफ होता है इमिग्रेशन पे वो दिखाने के लिए। तो कई बार भी नहीं, बहुत ही रेयरली पूछते हैं, बट डेफिनेटली उसको रखो। अदरवाइज इस COS का इतना ज्यादा बड़ा हवा नहीं बनाना है आपको, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब दोस्तों पक्का ही करना है, यही है मेरा एक बहुत बड़ा मोटिवेशन। प्लस मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।